नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल पर दिल से स्वागत है। तो दोस्तों, मैं आज आपको बताने वाला हूं कि अगर आपने किसी जैसे कि नेम चेंज, डेट ऑफ बर्थ चेंज, किसी भी चेंजेस को लेके आपने गैजेट फॉर्म के लिए अगर आपने अप्लाई किया है गैजेट लेटर के लिए, तो उस गैजेट लेटर का स्टेटस जानने के लिए कैसे आप डाउनलोड कर सकते हैं कि उसकी स्टेटस क्या है, प्रोसेस क्या हुआ, इन प्रोसेस है कि रिजेक्ट हो गया है, वो चीज़ें सब जानने के लिए आप कैसे उसको चेक कर सकते हैं गाइस, उसी के बारे में बताने वाला हूँ। सो दोस्तों, हमारे चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह इन्फॉर्मेशन वाले वीडियोज हैं आप लोगों के लिए बना के लाता रहता हूँ। तो चलिए, बिना देरी किए हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको बताता हूँ कि किस तरीके से आपको गैजेट का स्टेटस जो है चेक करना है। तो सिंपली सबसे पहले आपको जाना होगा क्रोम ब्राउजर में और आपको टाइप करना होगा, देखिए उसकी वेबसाइट होती है, बट आपको वेबसाइट टाइप करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप टाइप कीजिए गैजेट स्टेटस, बस इतना सा टाइप करिए, क्योंकि वेबसाइट तो बहुत बड़ी होती है, नेम लिखना पड़ता है। तो जैसे ही मैं इसको टाइप करूँगा, यहाँ पे देखिए पहला वाला ही आपका जो एप्लीकेशन है, यहाँ पे लिखा है egadget.mahaonline.gov.in, तो आपका वेबसाइट यही है, यहाँ नीचे भी यही वेबसाइट है, बट आप नीचे वाला पे क्लिक मत करिए, क्योंकि वहाँ पे प्रोसेस थोड़ा सा लंबा है और यहाँ जो पहला वाला है उसमें प्रोसेस बहुत शॉर्टकट दिया है, तो आपको मैं इसके थ्रू लेके जाऊँगा और आपको बताता हूँ। तो चलिए, मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। अब क्लिक करने के बाद मैं बता देता हूँ, यहाँ पर आपको जब आप यहाँ पर आप पहला वाला सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, पहला लिखा है सिलेक्ट सर्विस। अब सर्विस में पूछ रहा है वो आपने क्या चेंजेस करा है, रिलीजन, नेम, डेट ऑफ बर्थ या कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो मैं नेम में सर चेंजेस कराया हूँ, तब यहाँ पे नेम डाल। अब ये मेन प्रॉब्लम होगी आपको यहाँ पे कि आपकी जो है एप्लीकेंट आईडी जो है वो कहाँ पे मिलेगी, क्योंकि अगर आपने एजेंट के थ्रू किया होगा, हो सकता है आपके पास रिसिप्ट ना हो या फिर दिया नहीं हो डिटेल्स। तो अगर आपने एजेंट से कराया है तो उनको बोलिए कि मुझे जो एप्लीकेशन आईडी होता है, रेफरेंस नंबर जो निकलता है प्रिंट होके फॉर्म भरने के बाद, पेमेंट करने के बाद, वो मुझे दे दीजिए, कुछ अराउंड 22 डिजिट का होता है शायद से, वो उनसे मांग लीजिए। या फिर अगर आपने खुद से पेमेंट किया तो आपके जो पेपर आ गया प्रिंट किए रहेंगे उसके ऊपर लेफ्ट कॉर्नर में देखेंगे वहाँ पे लिखा होता है। तो चलिए, मेरे पास है अभी, तो मैं यहाँ पे इसको डाल दे रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से डाल दीजिए आप यहाँ पे। दूसरा वाला जो है यहाँ पे नीचे जो यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिया ना रजिस्ट्रेशन नंबर, अब इसको ब्लैंक छोड़ दीजिए, इसमें कुछ नहीं करना है हमें, तो रजिस्ट्रेशन नंबर खाली छोड़, उसके बाद हम करेंगे सर्च। अब सर्च बार करने पर क्लिक करें, देखिए अभी कल तक यहाँ पे आ रहा था कि योर एप्लीकेशन इज इन अंडर प्रोसेस, बट शाम को ये जो है स्टेटस वो चेंज हो गया। अब यहाँ पे लिख क्या रहा है, योर एप्लीकेशन अप्रूव्ड बाय DGPS, तो इसमें मेरा जो है जो गैजेट लेटर है वो अप्रूव कर दिया गया है DGPS की तरफ से। अब यहाँ पे मैं राइट में देखें, यहाँ पे व्यू पे लिखा है व्यू गैजेट पे क्लिक कर रहा था, बट कल क्लिक नहीं हो रहा था, हो सकता है ये प्रॉब्लम आप लोग के साथ भी हो, क्योंकि ये वहाँ पे क्लिक होने के बाद कुछ ओपन नहीं हो रहा था। तो मैंने जब एजेंट से कांटेक्ट किया, उनको बताया कि ये प्रॉब्लम हो रहा है, तो वो उन्होंने बताया मुझे कि सर आपका जो अप्रूवल तो हो गया है बट अभी तक फाइल यहाँ पे अपलोड नहीं हुई है, तो आपको 1 से 2 दिन वेट करना पड़ेगा। तो मैंने वापस विंडो जो है बंद कर दिया और जो अभी मैं वेट कर रहा था, लेकिन पेशेंस ना होने की वजह से मैंने फिर से ट्राई किया आज मॉर्निंग में और देखा कि मेरा यहाँ पे जो फाइल है वो आ चुकी है। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि आप डाउनलोड इसको कैसे कर सकते हैं। तो मैं चलिए यहाँ पे व्यू के नीचे जो लिखा है व्यू गैजेट, तो उस पर क्लिक करूँगा, तो मेरा जो फाइल है ऑलरेडी मेरे मोबाइल में डाउनलोड है, फिर भी यहाँ पे पूछ रहा है कि आपको अगेन वापस डाउनलोड करना है क्या। चलिए, मैं इसको अगेन आपको दिखाने के लिए कर देता हूँ। अब ये मेरा फाइल डाउनलोड हो रहा है। अब यहाँ पे देखिए ओपन करने के लिए 2-3 ऑप्शन दिया है, एक एडोब करके दिया है, अगर आपके पास एडोब या PDF का सॉफ्टवेयर नहीं रहेगा तो प्रॉपरली तरीके से नहीं खुलेगा, आपको पहले एडोब PDF डाउनलोड करना होगा, क्योंकि वो ये फॉर्मेट जो आएगा वो PDF में होगा, फिर या फिर MI PDF, तो MI छोड़ दीजिए, MI तो हमको करना नहीं है। तो हम चलिए ड्राइव PDF व्यूअर पे क्लिक करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्लिक करते हैं, अब ये हमारा हो गया है, खुल गया है गैजेट। अब गैजेट में सबसे बड़ी कन्फ्यूजन ये है कि आपका अकेले का गैजेट नहीं बना रहेगा, तो इसमें मतलब लिस्ट में आपकी नाम आ रहेगी बट इसमें इतने सारे नाम हैं कि आपको ढूंढना पड़ेगा। तो उसमें पेज देखिए कितना है, 452 पेजेस हैं, 452 पेजेस, मतलब एक पेज पे अराउंड 5 से 6 या 7 नाम हैं, तो आपको ढूंढने में बहुत टाइम लगेगा। तो आपको एक बहुत सिंपल प्रोसेस बताता हूँ कि आप कैसे ढूंढेंगे आपका नाम कि आपकी फाइल है कहाँ पर, ठीक है। चलिए मैं आपको बताता हूँ, जैसे आप मान लीजिए आपका नाम जैसे XYZ जो भी नाम है, चलिए मैं एक सिंपल देखता हूँ किसी का नाम है कि नहीं, जैसे सचिन,
SACHIN, ठीक है, सचिन सर्च किया, उसके बाद एंटर मारा। आप देखिए सचिन के नाम से हाईलाइट होगा, देखिए अब यहाँ पे ये हाईलाइट, मतलब इसी तरीके से आप अपना नाम सर्च करिए और आपका जो है जिस पेज पे रहेगा, अब ये 17 पेज नंबर है, आप देख रहे हैं यहाँ पे ये नंबर, पेज नंबर 17। अब यहाँ पे सचिन के नाम से देखिए 1, 2 बंदे देखिए, ठीक है। अब इसमें से मान लीजिए आपका ये 17 पेज वाला ही, चलिए एग्जाम्पल के तौर पर बता दे रहा हूँ कि आपका मान लीजिए ये 17, तो अभी सभी के सभी प्रिंट तो लेंगे नहीं, अब ये सेव कैसे करेंगे, सेव करेंगे तो पूरा का पूरा ऑलरेडी सेव है, तो अब क्या करना होगा, अब इसको हम वापस फिर से बैक कर देते हैं। अब यहाँ पे थ्री डॉट पे जो यहाँ पे राइट में है इस पर क्लिक कर देंगे, यहाँ पे देखिए प्रिंट का ऑप्शन है, आप मोबाइल से कर रहे हैं तो ऐसा आएगा और डेस्कटॉप पे करेंगे तो भी आपको यही प्रोसेस करना होगा, ठीक है। अब प्रिंट पे क्लिक कर देते हैं, प्रिंट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे अब आप ऊपर देखिए ऑलरेडी सेव पीडीएफ लिखा है, क्योंकि यहाँ पे ऑल प्रिंट करेंगे तो सब प्रिंट होने लगेंगे, तो हमें सेव पीडीएफ पे क्लिक करना रहेगा। ये जो लेटर लिखा है लेटर पे क्लिक करेंगे, अब लेटर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए पेजेस जो है उस पर लिखा है ऑल 452, इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा रेंज ऑफ 452, अब ये पूछ रहा है कि आपको 452 पीस जो प्रिंट्स है उसमें कौन सा आपको प्रिंट लेना है, तो चलिए हम रेंज पे सिलेक्ट कर देते हैं। अब रेंज पे सिलेक्ट करने के बाद हमने सर्च किया था सचिन के नाम से, तो यहाँ पे आएगा 17 नंबर पेज, क्योंकि वो 17 नंबर पे ही था। अब यहाँ पे पीडीएफ पे क्लिक करिए, जो राइट कलर में पीडीएफ लिखा है इस पर क्लिक कर लीजिए, तो सीधा यहाँ पे रिनेम करने के लिए आएगा, चलिए हम रिनेम करते हैं इसमें। अब यहाँ पे रिनेम करने की जरूरत नहीं, वैसे ऑलरेडी मैंने रखा है, यहाँ पे 2 लिखा है वो 1 रहेगा, ठीक है, सेव कर देते हैं। अब ये सेव, अभी इसको बंद कर देते हैं, माई फाइल में जाते हैं, माई फाइल में जाने के बाद अब सीधा डाउनलोड में जाइए, डाउनलोड में जाने के बाद देखिए ऊपर आपको दिख जाएगा, देखिए राजपत्र 2, ठीक है, यही वाला है, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा। अब देखिए ये 17 नंबर वाला ही खुल गया, हमने सर्च किया था ना सचिन के नाम से, देखिए सचिन यहाँ पे है, तो ये सिर्फ सिंगल पेज है, सिर्फ 17 नंबर पेज का। तो गाइस इसी तरीके से आप जो है अपने पेज को डाउनलोड कर सकते हैं और उसका प्रिंट निकाल के जहाँ पे भी आपको सबमिट करना है आप जाके इजीली तरीके से सबमिट कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो और उसके वीडियो के जो सारे प्रोसेस थे स्टेप बाय स्टेप जो मैंने आपको बताया है वो आपको अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा। कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं ट्राई करूँगा कि आपके सारे क्वेश्चन के करेक्टली आंसर दे सकूँ। तो दोस्तों चलिए एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन था जो आप लोग के लिए मैं लेके आया था जो कि आपको दे दिया हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि सब्सक्रिप्शन यूट्यूब की तरफ से बिल्कुल फ्री है, इसके चार्जेस कोई नहीं है। कई बार वीडियो खत्म होने के बाद लोग स्किप करके बंद करके डायरेक्टली चले जाते हैं, बट एक सब्सक्राइब करेंगे तो मेरा भी मोटिवेशन जो है बना रहेगा, तो नेक्स्ट टाइम मैं अच्छे कंटेंट लेके आऊँगा आप लोग के लिए, अच्छे अच्छे इन्फॉर्मेशन वाले वीडियोज़ बना के लाऊँगा, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।